हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज की रेक्नो शुरू करते हैं, उससे पहले दोस्तों यार मतलब मैं बार बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से निकलता है ये, क्योंकि कल की जो टेक्नोस थी वो 40 नंबर ट्रेंडिंग पर थी। जी हाँ, यूट्यूब पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस पर कि मैं आपसे क्या बताऊँ। ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों सिर्फ दो दिन है, आज और कल, मंडे से हम न्यू सेटअप से आपको वीडियोज देंगे। मैं इतना मतलब वेट कर रहा हूँ, और वहाँ तो इतनी गर्मा गर्म टेक्नोस होगी कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊँ। वैसे दोस्तों सुबह में मैंने इन्फिनिक्स के फैक्ट्री टूर का एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखना, फनी वीडियो है, मजा भी आएगा। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस फैक्ट्री के फ्यूचर में लाता रहूंगा। आज भी दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों टेक न्यूज शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आप लोग एक छोटा सा पोल देता हूँ, और नीचे कमेंट करके भी जरूर से बताना, खाली पोल में वोट मत कर देना। यहाँ पर दोस्तों मैं फैक्ट्री टूर वापस से अभी और दूसरी कंपनीज की ट्राई करने वाला हूँ, तो कौन सी कंपनी में आप चाहे मैं अप्रोच करूँ और उनकी फैक्ट्री टूर दूँ, उनके स्मार्टफोन कैसे बनते हैं, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, आप वोट करना, कमेंट करके भी बताना, आज बहुत ही मजा आएगा। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंटेल से। दोस्तों इंटेल ने अपने नए 10th जनरेशन वाले लैपटॉप के प्रोसेसर्स को जो भी यहां पर अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, डेस्कटॉप में तो पहले आ चुके थे, लेकिन अभी लैपटॉप में भी आ गए दोस्तों 10th जनरेशन वाले, जो बहुत ही बैटरी एफिशिएंट, बहुत ही पावरफुल होने वाले, और बहुत सारी कंपनीज अपने लैपटॉप्स में इसका जो इस्तेमाल करेगी। और दोस्तों उसके अलावा ये आपको 10 NM पर मिलता है, 11 अलग अलग उन्होंने जो ऐसे प्रोसेसर को अनाउंस किया है। आपको यू सीरीज मिलती है, वाई सीरीज मिलती है, और ये उनकी इंटेल की आइस लेक सीरीज में आपको मिलता है। इसमें कोड कोर वाला सीपीयू और अप टू आपको 64GB तक की LPDDR4X वाली रैम का सपोर्ट मिलता है। बहुत ही पावरफुल आपको ये प्रोसेसर मिलता है, इतना एक्सपेंसिव भी होगा। ये तो सिर्फ उन्होंने अभी ग्लोबली अनाउंस किया, और बहुत ही जल्दी दोस्तों हमें ये इंडिया में भी जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को फटाफट से डील अपडेट दे देता हूँ। अगर आपको ऑनर के 20i का रेड लिमिटेड एडिशन वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर फ्लिपकार्ट पर इंडिपेंडेंस डे सेल आएगा, आप उसका वेट करना, उसमें आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। रेड कलर आएगा ऑनर 20i का। उसके अलावा दोस्तों ऑनर का जो 10 Lite और ऑनर 8C, इन पर भी आपको भारी भारी डिस्काउंट मिलेगा इसी सेल के अंदर, तो आप स्टे ट्यून करना दोस्तों, जैसे ये आएगा सेल मैं आपको और भी जानकारी इसके बारे में जो बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों IBM की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों IBM इतनी बड़ी कंपनी, इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, अब यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि IBM के एक एक्स एम्प्लॉई है जो सेल्समैन थे IBM के अंदर, उनकी एज अभी 61 ईयर्स की है। उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया कि IBM ने मुझे निकाल दिया। रीजन उन्होंने ये बोला, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों को निकाला, लगभग 1,00,000 लोगों को उसने जो वो फायर कर दिया। रीजन ये था कि IBM पुराने एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, क्योंकि वो उनको नए लोगों से रिप्लेस कर रहा है, मिलेनियल्स को टारगेट करने के लिए। जैसे कि हम जैसे जवान है, तो हम अगर जवान लोगों से इंटरेक्ट करते तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता ना, तो कुछ इस तरीके के सीन उसने पुराने लोगों को निकाल डाला और नए लोगों को ले लिया। ये बहुत ही बुरी चीज है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने जो उस बंदे ने कोर्ट में जो वो केस कर दिया, और अभी ये केस जो वो आगे चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी अगर आप एज को लेके ऐसा डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो कितनी बुरी बात है। वैसे आप भी 105 साल पुरानी कंपनी है, तो क्या हम आपसे भी प्रोडक्ट लेना बंद कर दें, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, काफी सारी खबरें आ रही है, और मैं आपको पहले बुरी खबर सुनाऊंगा, बाद में अच्छी खबरें सुनाऊंगा, मेरी आदत है मैं पहले बुरी खबर सुनाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों बुरी खबर आ रही है Xiaomi के Mi UI की तरफ से। Mi UI 11 हम सभी लोग बताए कुछ ही महीनों में आएगा, एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड होगा। अभी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके जो Mi UI के जो एक्सपीरियंस चीफ है, उन्होंने ये बोला कि भाई एड्स तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम होगी, और हम उसको अपने तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, और हम एक बहुत ही ईजी ऑप्शन देंगे, आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला कि एड्स को बोले डिसेबल नहीं करेंगे, आपको एड्स मिलेगी। हमें ऐसा लग रहा था कि MIUI 11 में एड्स नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने एक ऐसी चीज बता दी है। तो मतलब हम सोच रहे थे कि भाई MIUI 10 से MIUI 11 में जाएगा तो एड्स नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आपको डिसेबल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें दिखेगी, हाँ वो ऑप्टिमाइज करेंगे। एक बुरी खबर है जो सुन के शायद से आपको बहुत ही बुरा लगा होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Xiaomi के Redmi Note 7 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर हमें पता है लॉन्च हुए। फरवरी के महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ था, Redmi Note 7, Note 7 Pro, Note 7S वगैरह वगैरह। अभी तक यहाँ पर दोस्तों फरवरी से लेकर अभी तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 मिलियन यहां पर Xiaomi ने अपने Note 7 के सीरीज वाले स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड कर दिया। बहुत ही बड़ी बात है, 50 लाख। वैसे सरप्राइज की बात नहीं है, Xiaomi ही डोमिनेट करता है, और Xiaomi की वजह से ही आज दूसरी कंपनीज उसको देख के जो हमें डिस्काउंट्स वगैरह देती है और कंपटीशन करती है। अच्छी बात है Xiaomi के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है, उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। 5 मिलियन बहुत ही अच्छी बात है, देखते हैं और कितना प्रोग्रेस करता है। 64 मेगापिक्सल वाला ये शायद Redmi Note 8 Pro कितना जल्दी आएगा वो भी मैं आपको जरूर से बता दूंगा। और हां दोस्तों, लगे हाथों Xiaomi का जो Redmi K20 Pro ये जो स्मार्टफोन है चाइना के अंदर, यहां पर इसके लिए Xiaomi ने गेम पैड भी जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, वैसे ये जो गेम पैड है ना, अभी रिसेंटली ब्लैक शक 2 के साथ में उन्होंने लेके आया था, ये कस्टमाइज्ड गेम पैड है, आपको लेफ्ट और राइट में लगाना है, और उसमें जब आप गेम खेलेंगे तो उसमें जॉयस्टिक मिलता है, बटन्स मिलते हैं, तो और एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। अभी Redmi K20 Pro के लिए लेके आ गया, इसकी प्राइस कुछ ₹1,000 के आसपास है, वैसे तो कुछ ₹1,800 का, लेकिन कुछ डिस्काउंट पर चल रहा है, और ये हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो अगर आप Redmi K20 छोड़ दो, पता नहीं लिए रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन Redmi K20 Pro अगर आपने लिए और अगर आपको और भी अच्छे से गेम खेलना है, तो ये भी आपको गेम पैड बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से वैसे काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और दोस्तों एक्सिनोस 9610 मेरे हिसाब से मिड रेंज का ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, हमें गैलेक्सी A50 में भी देखने को मिला है। और इसमें दोस्तों मैंने पबजी ना HDR में खेला था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था 10 NM पर 2.3 GHz पर। अब इसका सक्सेसर दोस्तों आने वाला है, जी हाँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट कोड से जो पता चल रहा है S5E9630 जो वो देखा गया, मतलब काम में है, और 9610 का सक्सेसर 9630 आपको देखने को मिल सकता है। अभी ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये आपको 8 NM के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 9610 आपको 10 NM पर मिल रहा था। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होगा और ये भी 20 से 25000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। कितना तगड़ा कंपटीशन है स्नैपड्रैगन 730, मीडियाटेक का G90 वगैरह और एक्सिनोस 9630, बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं सैमसंग कौन से फोन में लेके आता है, ये तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो यहां दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों वीवो के दो अननोन मॉडल नंबर वाले स्मार्टफोन्स यहां पर गीक बेंच पर जो वो लिस्ट हो गए, और ये थोड़ा सा बजट टाइप के स्मार्टफोन्स यहां पर जो वो बताए जा रहे हो सकते हैं। 3GB की रैम 4GB की रैम के साथ में लिस्ट हुए, जो 3GB रैम वाला है ना उसमें कोड नेम है ट्रिंकेट, इसका मतलब इसमें स्नैपड्रैगन 665 हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि Mi CC9e जब लिस्ट हुआ था तो उसमें भी यही कोड नेम था और उसमें वही प्रोसेसर, इसमें भी देखेंगे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक और है 4GB रैम के साथ में लिस्ट हुआ था और उसमें स्नैपड्रैगन 710 वाला जो वो प्रोसेसर है। अब देखते हैं दोस्तों दो अलग अलग फोन से वीवो के जो हमें 665 और 710 के साथ में मिलेगी, अब कितना जल्दी मिलेगी, कब आएगी इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों। वैसे आज रियलमी ने ट्वीट करके धमाका कर दिया, और उन्होंने ये बताया कि भाई 8 अगस्त को यहां पर दिल्ली में उनका कैमरा इनोवेशन इवेंट होने वाला है। इसका मतलब वो अपने 64 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे, उसके कैमरे के इनोवेशन के बारे में बताएंगे, कोड कैमरे के साथ में आपको ये फोन मिलेगा 64 मेगापिक्सल के साथ में। अब ये कौन से फोन में आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हां बस वहां पर वो उनके कैमरे के फीचर्स के बारे में ज्यादा बताएंगे उस इवेंट के अंदर। वो कोई लॉन्च नहीं हो रहा है फोन, सिर्फ उस कैमरे के इनोवेशन के बारे में बताएंगे। लॉन्च तो आपको शायद मिड या एंड में जो वो देखने को मिलेगा। अब इंटरनली मुझे ऐसा पता चल रहा है कि भाई ये रियलमी 5 सीरीज वाला एक फोन है, मुझे लगता है Realme 5 Pro आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल कोड कैमरे के साथ में, Snapdragon 730। देखते हैं दोस्तों मजा आएगा, क्या होगा इसमें खास मैं 8 तारीख को आपको और भी जानकारी दे दूंगा। आपको यह बताया कि वर्ल्ड का सबसे पहला कोड कैमरा वाला स्मार्टफोन कौन सा था, वो था Samsung Galaxy A9 2018। जी हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे पहले कोड कैमरा वाला स्मार्टफोन था। तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।